नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपूत, वैज्ञानिक पादप रोग विज्ञान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इंदौर से। मैं आज आपको एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ। यह बीमारी प्रायतः 45 दिन के बाद सोयाबीन में स्टार्ट होती है। इस बीमारी के अंदर जो ऊपर की पत्तियां होती है उनकी निचली सतह की सिराएं धीरे धीरे भूरी पड़ती है, धीरे धीरे ये धब्बे बढ़ते जाते हैं, सिराओं का भूरापन भी बढ़ता जाता है। पत्तियों से यह भूरापन पौधे के तने पे आ जाता है और पूरा पौधे का तना भूरे काले रंग का दिखाई देता है। उसके बाद में पत्तियों पे भूरे भूरे धब्बे बढ़ जाते हैं और उनके साथ में पीलापन आ जाता है और अंत में पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। यह बीमारी बीज से जनित है तथा इस बीमारी का फैलना अधिक बारिश तथा रिमझिम बारिश के अंदर होता है। लगातार 10-15 दिन तक रिमझिम बारिश होने पे यह बीमारी त्वरित गति से फैलती है। क्योंकि यह बीमारी बीज जनित है तो हमें इस बीमारी के उपचार के लिए बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए हमारे पास अनुशंसित जो रसायन है वो है थायफेनेट मिथाइल प्लस पाइरोक्लोस्ट्रोबिन, जिसको आप 2 से 3 ml प्रति किलो बीज की दर के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर कार्बोक्सिन प्लस थायरम, जिसको आप 2 ग्राम प्रति केजी किलो के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा ट्राइफ्लोक्सोस्ट्रोबिन प्लस पेंट्रोफेन, उसको भी आप 1 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से ले सकते हैं। इस बीज उपचार करने से यह बीमारी कम हो जाती है तथा मैं किसान भाइयों को यह भी सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे नई वेराइटियाँ हैं JS 2034, JS 2069, JS 2098, उनका चयन करें, क्योंकि यह इनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता सोयाबीन एंथ्रेक्नोज से ज़्यादा है। उसके बाद जब यह बीमारी प्रारंभ होती है लगभग 45 दिनों के पास में, तो उस समय सोयाबीन के अंदर आप किसी एक केमिकल, एक फंगिसाइड जैसे कि हेक्साकेनाजोल, पाइरोक्लोस्ट्रोबिन, टेबुकेनाजोल या फिर टेबुकेनाजोल प्लस सल्फर का अनुशंसित दर से छिड़काव करें। इसके करने से यह बीमारी कम हो जाती है। धन्यवाद।